डीजियाना न्यूज़ में मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों पर। एक दिन पहले किसानों को लेकर मंदसौर की घटना के विरोध में आधे दिन का बाजार बंद करा चुकी कांग्रेस ने अगले दिन गुरुवार को रेल रोकने की कोशिश की, जिसमें इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक लिया। इसके बाद भी कांग्रेसी नहीं माने और हंगामा करने लगे, जिस पर पुलिस ने करीब 50 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दी थी प्रशासन को पुलिस के अंदर कि आज लोग रेल रोकेंगे 12 बजे के आसपास, इसी संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ता आए हुए थे। हाँ, कंट्रोल हो गया, जहाँ पे भारी भर में पुलिस बल हम लोगों ने लगा कर रखा था और स्टेशन पर नहीं पहुँचने दिया गया है और कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। शायद हमने दरवाजे सील कर दिए थे और बाहर ही कुछ नारे बजे वगैरह रखी इन्होंने और यहीं से उनको गिरफ्तार कर लिए गए। कितने कांग्रेस ने गिरफ्तार किए? करीब 70 के आसपास थे। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की तारीख घटाई तो छात्र संगठन डीएसओ ने इसका विरोध लेकर आपत्ति दर्ज करा दी। डीएसओ का कहना है कि सरकार ने सेमेस्टर सिस्टम पहले ही हटा लिया है, अब यूनिवर्सिटी तानाशाही का निर्णय थोप रही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है छात्र डीएसओ की, जो कि अभी जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत में ही एक आदेश निकाला गया है कि रिजल्ट खुलने के 7 दिन के अंदर ही छात्रों को रीओपन के लिए, रिटोटलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 7 दिन बाद वो फीस 200 रुपये बढ़ के लगेगी, तो ये तो गलत है। मतलब छात्रों से किसी भी नाम पर हर नए दिन नए ढंग से नए नाम पर फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, उसको किसी भी नाम पर यूनिवर्सिटी जब चाहे तब बढ़ा देती है, ये तो ठीक नहीं। जो फीस पहले से निर्धारित है उसी को यथावत रखा जाए। WH में भी जो समस्या आ रही है उसमें 6 महीने उसका समय अभी रख दी गई है, इसको भी पहले की तरह ही 1 साल रखा जाए, इसी डिमांड को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। शहर की नाना खेड़ी गल्ला मंडी में पिछले कुछ दिनों से अस्थिरता बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली उपज बेचने आ रहे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही गुरुवार को भी हुआ, जब व्यापारियों ने गल्ला मंडी ठप रखी, जिससे किसानों को भारी परेशानी हुई। क्या नाम है आपका? कुमार। कौन से गांव से आए? बतानारी से आए। तो क्या हुआ आपको, मंडी के अंदर नहीं जाने दे? मंडी के अंदर जान नहीं दे रहे था और गेट ही बंद है। तो फिर आप क्या लेके आए थे, माल लेके आए? माल लेके आए साहब, चना लेके आए। तो अब आप वापस जाएंगे क्या? तो वापस क्यों जाएंगे साहब, मंडी करो। देश आज संत कबीर दास जी की जयंती मना रहा है, जिसके अंतर्गत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह गुना में भी पंत समाज के लोगों ने मातापुरा से कबीरदास जयंती पर एक जुलूस निकाला, इसका समापन कोलूपुरा में किया गया। Thank you.
ਦਾ ਸਮੇਂ। छात्रों को रोजगार मुहैया कराने और उन्हें हुनर सिखाने के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में लोगों को रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है। इसी के प्रचार प्रचार के लिए एक रैली निकाली गई जो विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली। मुस्लिम समुदाय का पवित्र माह रमजान में समुदाय के लोग इबादत में जुटे हुए हैं, तो वहीं मस्जिदों में भी रोशनी के साथ ही बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इस पवित्र माह में रमजान का पहला अशरा यानी 10 रोजे गुजर चुके हैं, दूसरा अशरा जारी है। इसी को लेकर विभिन्न मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया डीजियाना न्यूज़ को दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी मोहम्मद अनीस रहमानी, तहसील काजी राघोगढ़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा गुजर चुका है जो रहमत का था, और दूसरा अशरा शुरू हो गया मग़फ़िरत का। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले अशरे में यानी पहला रोज़ा रखा और अल्लाह से दुआ की। पहले अशरे में ही अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे दिन अल्लाह की रहमत को बरसाया और वो ठंडक हो गई। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जगह जगह बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब ये दूसरा अशरा शुरू हो गया है, हम सबको खूब अल्लाह के सामने नदावत के साथ रोना है, गिड़गिड़ाना है और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करना है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना खूब इबादतों के साथ और रोज़ों के साथ गुजारना है। अल्लाह की इबादत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को खूब ज़िंदा करें और अपने इस वतन के लिए, मुल्क के लिए भी अमन व अमान की, शांति के लिए खूब दुआ करें और मुल्क की तरक्की के लिए खूब दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हिंदुस्तान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएँ, आमीन। हमारे प्रदेश, हमारे गुना शहर में अमन शांति कायम रहे। और ये महीना रमज़ान का पहला अशरा जो रहमत वाला महीना का जो गुज़र चुका है, जो दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सभी लोगों को हमारे बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़िरत के लिए की दुआएं करें। और सभी लोग हम आपस में इत्तेफाक रखें, भाईचारा रखें, सुकून और अमन अख्तियार करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम चलें, गरीबों को में खैरात ज़कात बाँटें। हम हमारे वतन के लिए सभी हजरात से दरख्वास्त है, गुजारिश है, ये हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारा प्रदेश, हमारा गुना शहर में अमन शांति, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, भाईचारा हमारा बना रहे, यही हमारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद इसरार हुसैन, जामा मस्जिद सदर। आज के लिए बस इतना ही। डीजियाना न्यूज़ में नई खबरों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।